आपको याद ही होगा, और याद दिलवाने की जरूरत नहीं है कि 25 मई को जो है चुनाव होने जा रहे हैं, और आप लोग घरों से निकलो। मैं लगातार अपनी अपील भी करता हूं और बताता भी आपको कि आपका जो वोट है कैसे सरकार बना सकता है और कैसे गिरा भी सकता है। तमाम जो है इस दावों पर जो है हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जो है जिला प्रशासन किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। और अतिरिक्त उपायुक्त हमारे साथ डॉक्टर पंकज हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर किस तरह की तैयारी है प्रशासन की और क्या इस बार नया करेंगे? देखिए, आप जानते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है मतदान का दिवस, तो हम इसके लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अंतर्गत स्वीप नाम का एक प्रोग्राम होता है वो चला रहे हैं, जिसका पर्पज़ होता है कि इलेक्टोरल को एजुकेशन और उसकी वोटर में पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना। तो हमारे तीन चार पॉइंट्स हैं मेन इस पे जिस पे हम इस साल वर्क कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा 69% के आसपास वोटर परसेंटेज था, जिसको इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार हमारा टारगेट है 100% मतदान कराना, यानी कि हर एक मतदाता जो कि एलिजिबल है, यानी 18 साल से ऊपर का कोई भी मतदाता इस चक्र इससे ना बाहर रहे और अपने वोट का प्रयोग करें। तो इसके लिए हम तीन चार स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। पहला, स्कूल और कॉलेजेस में हमने स्पेशल कैंप लगाए हैं और उसके अंतर्गत हमने करीब 25,000 नए वोट बनाए अभी कुछ रिसेंट महीनों में। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं जिनका वोट ऑलरेडी बना हुआ है, उनको मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए हम गली गली, शहर में, गाँवों में, हर जगह उनको मतदान की प्लेस दिलवा रहे हैं। और इसी कड़ी में माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देशन में शुक्रवार को 11:30 बजे हम पूरे पानीपत में एक साथ सारे लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक सामूहिक शपथ का आयोजन करवा रहे हैं। स्कूलों में होगा, बाजारों में होगा, कैसे रहेगा सरकार? ये हर जगह पे प्रोग्राम करवा रहे हैं। आप चाहे स्कूल हो, कॉलेजेस हो, अस्पताल हो, पुलिस स्टेशन हो, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से हो, एनजीओज के माध्यम से हो, फैक्ट्रीज़ में हो, गाँवों में सरपंचों के माध्यम से और ग्राम सचिव के माध्यम से, सभी लोगों को हमारा प्रयत्न है कि एक साथ मतदान में पार्टिसिपेट करने की हम शपथ दिलवा सकते हैं। पहली बार ही ऐसा होने जा रहा है। जी बिल्कुल, हम इस साल हमारा टारगेट है कि जितनी भी हमारी पानीपत की जनसंख्या है सबको हमारा टारगेट है कि वो अपने मतदान के अधिकार के लिए उनको समुचित जानकारी हो और वो इस अधिकार का प्रयोग करें। सर इसके अलावा कैसे प्रेरित कर रहे हैं आप लोग? मैं नीचे से अभी आ रहा था, एक सेल्फी पॉइंट बहुत अच्छा बना रखा है, वो किस लिए? हाँ, इसके लिए हमने क्या वो किया, जितने भी हमारे प्रोमिनेंट जगह हैं, जैसे कि हमने जिला मुख्यालय पर या फिर ब्लॉक लेवल पर या फिर SDM के ऑफिसेज पे, सब जगह हमने सेल्फी पॉइंट बनवाए गए ताकि लोग आएँ और एक गर्व का, एक देश के साथ जुड़े होने का वो अपने आप को महसूस करें। और सेल्फी लेके हम तो चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें ताकि वो खुद और उनके साथ जितने भी लोग हैं वोट डालने के लिए प्रेरित हो। इसके अलावा हमने स्वीप की जो एक्टिविटीज़ है उसमें स्कूल, कॉलेजेस, बाकी जगहों पे हमने नुक्कड़ नाटक और आउटरीच प्रोग्राम चलाए गए हैं। इसके अंतर्गत हम 25 मई तक हमारा टारगेट है और ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करके लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। अच्छा सर, जो लोग जिन लोगों का वोट अभी नहीं बन पाया, अभी भी कुछ ऐसा है कि प्रशासन बना रहा है और अभी तक कितने वोट नहीं बने? जी, अभी तक हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं, तो हम बार बार लोगों के माध्यम से उनको अपील कर रहे हैं कि लोगों का इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो है वो बढ़ाया जा सके। पानीपत में एक चीज़ है कि हमारे पास बाहर से आने वाले श्रमिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण कई बार सही वोट बनने का अंदाज़ा हमें नहीं हो पाता है। इसके लिए हम इंटेंसिव रूप से कैंप लगा रहे हैं और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को अपील है कि 25 अप्रैल तक, नामांकन से पहले पहले, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म 6 भर के और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ और अपना वोट बनवाएँ। पीसफुल हो जाएगा सारा चुनाव? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि कल भी, 2 दिन पहले भी समालखा में फ्लैग मार्च निकाला गया है, सारी टीमें मिलकर काम कर रही है, CRPF की पर्याप्त कंपनियां पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग करवाई है पुलिस के साथ मिलकर कि लास्ट ईयर जहाँ भी कोई दंगा या कोई फसाद या कोई किसी गलत घटना का अंदेशा है वहाँ पर हम स्पेशल विजिल कर रहे हैं और अभी से हमने वहाँ पर अपनी गश्तें और बाकी सुरक्षा इंतजाम स्टार्ट कर दिए। चलिए सर, धन्यवाद। इस तरह का आप देखिए, मैंने भी अपने व्हाट्सएप DP पर ये लगाया है, बहुत अच्छा जो है प्रशासन ने ये तैयारी की है, सेल्फी पॉइंट बना रखा है, जब आप एंट्री करेंगे सचिवालय में तब ये चीज़ देखिए सर, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसमें फोटो लेकर, तो ये आप इस चीज़ की जो है लगाएं और लोगों को प्रेरित करें, घरों से निकले 25 मई को, क्योंकि आपका एक वोट जो है सरकार बनाएगा और अच्छी सरकार बनाने के लिए आपको घरों से जरूर निकलना पड़ेगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।